Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 16 मुहावरे idioms. मुहावरा शब्दों का समूह होता है. मुहावरा साधारण अर्थ को नहीं बल्कि विशेष अर्थ को प्रकट करता है. मुहावरे के प्रयोग से भाषा अधिक रोचक तथा प्रभावशाली बन जाती है. मुहावरों के माध्यम से हम कम शब्दों में बहुत कुछ कह देते हैं. मुहावरे हमारी बातचीत को भी अर्थपूर्ण बना देते हैं. इस प्रकार मुहावरे वे शब्द समूह हैं जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में होता है. मुहावरे अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग. मुहावरे अर्थ वाक्य प्रयोग. एक आँखों का तारा बहुत प्यारा, बालक माँ की आँखों का तारा होता है. दो अंगन मुस्कुराना बहुत खुश होना, कक्षा में प्रथम आने पर नेहा का अंगन मुस्कुरा रहा है. तीन आग बबूला होना बहुत गुस्सा करना, रोहित के अनुत्तीर्ण हो जाने पर उसके पिता आग बबूला हो उठे. चार अंगूठा छाप होना निरक्षर होना अनपढ़ होना, प्रायः अंगूठा छाप लोग जीवन में पिछड़ जाते हैं. पांच अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा. प्रदीप अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है, इसलिए वह हर समय उनके साथ रहता है. छह आस्तीन का सांप धोखेबाज विश्वासघाती. मैं परमेंद्र को अपने भाई की तरह समझता था, लेकिन वह तो आस्तीन का सांप निकला. सात आंखें दिखाना क्रोध करना. कुछ लोग नुकसान करके भी आंखें दिखाते हैं. आठ अकल पर पत्थर पड़ना बुद्धि भ्रष्ट होना. कई बार समझाने पर भी विवेक पढ़ता लिखता नहीं है, उसकी तो अकल पर पत्थर पड़ गए हैं. नौ अंगूठा दिखाना साफ मना कर देना. जिन्हें मैं अपना पक्का मित्र समझता था, उन्होंने काम पड़ने पर मुझे अंगूठा दिखा दिया. दस आग में घी डालना क्रोध को बढ़ावा देना. पिताजी मुझसे पहले ही नाराज थे, तुमने मेरी शिकायत करके आग में घी डाल दिया. ग्यारह दीद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना. जब से निशांत फेल हुआ है, वह तो ईद का चांद हो गया है. बारह पुंगली पर नचाना अपनी इच्छा के अनुसार चलाना. रमाकांत की पत्नी उसे उंगली पर नचाती है. तेरह कान पर जू न रेंगना ध्यान न देना. उदित को सब पढ़ने के लिए समझाते रहते हैं, लेकिन उसके कान पर जू नहीं रेंगती. चौदह कान भरना झूठी शिकायतें करना. कुछ लोग दूसरों के कान भरकर झगड़े कराते रहते हैं. पंद्रह खून पसीना एक करना अत्यधिक मेहनत करना. कुछ लोग अपना पेट भरने के लिए भी खून पसीना एक कर देते हैं. सोलह कलेजे पर सांप लौटना बहुत ईर्ष्या होना. आजकल मित्रों की उन्नति देखकर कुछ लोगों के कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं. सत्रह खरी खोटी सुनाना बुरा भला कहना. सेठ जी जरा सा भी नुकसान होने पर अपने नौकरों को खरी खोटी सुनाने लगते हैं. अठारह उल्लू सीधा करना स्वार्थ पूरा करना. शेखर भोले लोगों को बहला फुसला कर अपना उल्लू सीधा करता है. उन्नीस दांतों तले उंगली दबाना आश्चर्य करना. नट के करतब देखकर सभी लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली. बीस खिल्ली उड़ाना हंसी उड़ाना. किसी बीमार आदमी की खिल्ली उड़ाना अच्छी बात नहीं है. इक्कीस घाव पर नमक छिड़कना परेशान को और परेशान करना. रवि फिसल कर गिर गया और उसको चोट लग गई. मनोज उसकी हंसी उड़ाने लगा, तब रवि ने मनोज से कहा, तुम मित्र होकर मेरे घाव पर नमक छिड़क रहे हो. 22 नौ दो ग्यारह होना भाग जाना. बिल्ली को देखते ही चूहे 9-2-11 हो गए. 23 दांत खट्टे करना पराजित कर देना. भारतीय सैनिकों ने आतंकवादियों के दांत खट्टे कर दिए.
24 घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद में सोना, सभी लोगों के शोर मचाने पर भी रवि नहीं जागा। तब समीर ने कहा, रवि घोड़े बेचकर सो रहा है। 25 नाक कटना, इज्जत चली जाना, चोरी के अपराध में जेल जाने पर जुम्मन के परिवार की नाक कट गई। 26 नाक में दम करना, बहुत परेशान करना, शरारती बच्चे परिवार वालों की नाक में दम कर देते हैं। 27 चिकना घड़ा होना, बेशर्म होना, बेअसर होना, कुछ बच्चे डांट खाकर चिकने घड़े हो जाते हैं। 28 हाथ पांव फूलना, घबरा जाना, रास्ते में सांप देखकर मोहित के हाथ पांव फूल गए। 29 टांग अड़ाना, व्यर्थ में दखल देना, व्यक्ति को अपने काम की ओर ध्यान देना चाहिए, दूसरों के काम में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है। 30 आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना, माता पिता के घर से बाहर जाने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।